आज कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आपसे बात करने वाला हूँ। यहाँ पे बात करने वाला हूँ टेराफॉर्म लैब्स के ऊपर। तो यहाँ पे डू वॉन्ट जो टेराफॉर्म के फाउंडर हैं, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे टेराफॉर्म लैब्स का कोई भी कंट्रोल नहीं है लूना क्लासिक के ऊपर, यानी टेरा 2.0 जो है यहाँ पे वो पब्लिक कॉइन है और यहाँ पे टेरा क्लासिक जो है उसके ऊपर उनका कोई भी कंट्रोल नहीं है। बहुत ही कंट्रोवर्शियल ये जो है उन्होंने वर्ड बोला है और यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं इसके ऊपर गुस्सा है। तो यहाँ पे टेरा का जो क्रैश हुआ था उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ़ फैक्ट्स हैव बीन कमिंग टू द स्पॉटलाइट। तो उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे, अमॉन्ग देम देर आर एलिगेशंस लाइक डू वॉन कैश्ड आउट 2.7 बिलियन वर्थ ऑफ क्रिप्टो बिफोर द क्लैप्स ऑफ टेरा। तो कहा जाता है कि उन्होंने 2.7 बिलियन डॉलर की यहाँ पे क्रिप्टो को कैश आउट किया था यहाँ पे टेरा का जो यहाँ पे लूना का जो यहाँ पे क्रैश हुआ था उससे पहले। यहाँ पे इवन साउथ कोरियन मीडिया एक्यूज डू वॉन ऑफ कमिटिंग मैनी फाइनेंशियल क्राइम्स। तो यहाँ पे साउथ कोरिया में इनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और यहाँ पे उनके मीडिया के हिसाब से अगर बहुत देखा जाए तो मीडिया के हिसाब से यहाँ पे उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइम्स जो हैं यहाँ पे डू वॉन ने किए हैं। हाउएवर डू वॉन हैज़ डिनाइड ऑल द एलिगेशंस। यहाँ पे डू वॉन ने यहाँ पे सभी एलिगेशंस को डिनाई कर दिया है। टू प्रूव हिज इनोसेंस ही इवन पोस्टेड अ ट्विटर थ्रेड। तो यहाँ पे इन्होंने ट्विटर पे ये कहा कि दिस शुड बी ऑब्वियस बट द क्लेम दैट आई कैश्ड आउट 2.7 बिलियन फ्रॉम एनीथिंग इज कैटेगोरिकली फॉल्स। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि यहाँ पे ये कैटेगोरिकली फॉल्स है, ये गलत बात है, मैंने ऐसा कुछ भी जो ये है नहीं किया। और उसके बाद यहाँ के जो एक और न्यूज़ है, यहाँ पे डू वॉन यहाँ पे जो है आए थे हार्ड फोक की प्लान के साथ और 90% वोटर्स ने कहा था उस प्लान को जो है रिजेक्ट कर दिया था और उसके बाद भी जो है यहाँ पे हार्ड फोक हुआ और टेरा 2.0 लॉन्च हुआ जी। उसको इसको भी जो है एक गलती यहाँ पे कंसिडर किया जा रहा है और यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो हैं डू वॉन के ख़िलाफ़ जा रही हैं। और उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे लूना क्लासिक के ऊपर उनका एज सच कोई भी कंट्रोल नहीं है। आपकी राय, आपका ओपिनियन इसके ऊपर क्या है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें लूना क्लासिक की तो आप देखोगे 0.000177 डॉलर अभी करंट प्राइस चल रहा है। रैंक की बात करें 211 रैंक चल रहा है और वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो लास्ट 24 आवर्स में 1% का डिक्रीज आया है। आप यहाँ पे एक देख सकते हैं, एक यहाँ पे स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है 0.0001 के आसपास और यहाँ से प्राइस जो है 0.0001 से नीचे नहीं जा रहा। अगर यहाँ पे सपोर्ट बनाता है तो अच्छी बात है, वरना प्राइस जो है इससे भी ज़्यादा नीचे यहाँ पे ड्रॉप होता हुआ हमें दिख सकता है। थोड़ा मार्केट का हाल देख लेते हैं। अगर हम बात करें बिटकॉइन की डोमिनेंस की तो बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है 42.8% है, इथेरियम की 15.2%। टोटल मार्केट कैप जो है दोबारा से गिर के 909 बिलियन डॉलर्स पे आ चुकी है। 2% की मार्केट में गिरावट आई है लास्ट 24 आवर्स में। और ट्रेंडिंग कॉइन की अगर हम बात करें, बीबॉक्स टोकन, BIX, LUNC टोकन और क्यूनिक कॉइन KUNCI टोकन, यहाँ पे ये टॉप 3 ट्रेंडिंग पे अभी चल रहे हैं कॉइन मार्केट कैप पे। बिटकॉइन के प्राइस की बात करें तो 20,422 डॉलर जो है अभी करंटली ट्रेड कर रहा है बिटकॉइन। यहाँ पे अभी कंसोलिडेशन जोन में चल रहा है और यहाँ पे हमें और एक लोअर लो बनता हुआ दिख सकता है और बिटकॉइन का प्राइस जो है 15,000 से लेके यहाँ पे 16,000-17,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है अभी रिवील होनी है जुलाई के मंथ में। बहुत सारी न्यू चीज़ें यहाँ पे आने वाली हैं, टैक्स भी US गवर्नमेंट जो है बढ़ाने वाली है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को देखते हुए बिटकॉइन का प्राइस जो है और ज़्यादा नीचे जा सकता है और यहाँ पे आपको बिटकॉइन का प्राइस 10,000 से 12,000 डॉलर तक भी दिख सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे इथेरियम वगैरह ये सभी जो कॉइन हैं BNB और 50% यहाँ से डाउन हो सकते हैं 30-50%। तो इन चीज़ों को देखते हुए, इन चीज़ों के अकॉर्डिंग ही आप जो है ट्रेड लीजिएगा। ये सारी चीज़ देखने के बाद ही यहाँ पे ट्रेडिंग कीजिएगा। और यहाँ पे बहुत जल्द ऐसा वक्त आने वाला है जब लोगों के पास बाइंग करने के लिए नहीं होगी और यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा और सडन से अपसाइड मूव करेगा। तो यहाँ पे आज की अपडेट में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और यहाँ पे मिलते हैं किसी और ऐसी ही वीडियो में। और चैनल पे अगर आप पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम है सद, आप देख रहे थे क्रिप्टो TV इंडिया यूट्यूब चैनल। हैव अ सेफ इन्वेस्टमेंट।